और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रामजस ग्राउंड में। रामजस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नरेश कुमार हैं उनकी ओर से जो यहाँ पर ये इसका आयोजन किया गया है, और जो इस क्षेत्र की यानी कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की जो सांसदा हैं बांसुरी स्वराज, वो भी यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में पहुँचने वाली हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा है। बजा बजा लो बजा भैया, लेट लेट करके हाँ वो माइक दो माइक दो माइक बोलो बोलो तेज बोलो तेज। आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे वो? हाँ आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हमको साल माताजी आप लोग आइए, हमको साल का जो छठ मरानी जाए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उमंग लग रहा है, और इसी तरह से हम सबको जीवन में खुशी खुशहाल रहे। हर साल ऐसे ही धूमधाम से छठ पूजा मनाएंगे हर साल। आइए आप लोग राजू जी। हाँ तो आप देख सकते हैं कि कितने भव्य स्तर पर यहाँ पर जो है छठ पूजा का आयोजन किया गया है, और जो कि अपने आप में देखने योग्य बनता है। काफ़ी दर्शनीय जो है नज़ारा यहाँ पर कह सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये यहाँ पर भव्य स्तर पर जो ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी साधु संत महात्मा यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं इसी क्षेत्र से जो है पूर्व निगम पार्षद रमेश कुमार जी हैं, उनके छोटे भाई नरेश कुमार जी जो कि भारतीय जनता पार्टी में SC ST सेल से आते हैं, साथ में बहुत सारे जो है साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े पदाधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी इनसे जुड़ने की कोशिश। हेलो, हमारे पटेल नगर के सबसे बड़े यूट्यूबर पुष्पा जी, धूम सिंह गोसाई जी, आपने भी गाना बज रहा यार। हाँ भैया मेरठ चला गया था, अब मैं देखो बहुत बड़ा है और इसमें लगभग लगभग 3 से 4 हजार की है। भाई और वाह भाई वाह, कि मेरे मंच के दाईं तरफ और बाईं तरफ कुर्सियां पड़ी हैं, कुर्सियों में स्थान है। विवेक ये जो ये चलेगी ना हमारी रिकॉर्डिंग, तब तक म्यूजिक बंद करवा दोगे? वो बंद करा दो, जो गाना आएगा वो रिमूव कर देंगे, कॉपीराइट मारेंगे, फायदा हो जाएगा। और आज जैसा मैं कह रहा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से हमारे बीच में कुछ ही देर के बाद कुछ ही देर में हमारी सांसद चल और बांसुरी स्वराज जी
शर्मा जी की फ्रेंड, अशोक शर्मा जी। अच्छा, उससे पहले ये भैया ये जो जी आइए भाई साहब, हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद रमेश कुमार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं और अभी वर्तमान में किस दायित्व में? भारतीय जनता पार्टी पटेल नगर विधानसभा के क्षेत्र में ये छठ मैया का कार्यक्रम जो हो रहा है, ये पिछले अनेकों वर्षों से अपनी संस्था के द्वारा से किया जा रहा है, जिसमें नरेश जी और उनकी धर्मपत्नी मीनू जी इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और आज का ये जो पर्व है, भारत वर्ष जो है पर्वों का देश है और समाज को जोड़े रखने के लिए ये पर्व मनाया जाता है और सूर्य देव भगवान की पूजा की जाती है। भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है कि परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक ऐसा समय आए जिसमें हमारा देश समृद्धि से भरा हो, स्वस्थ रहे, मजबूत बने और देश और विदेश में शांति बनी रहे, ऐसे सब ये छठ पूजा का आयोजन किया गया है। ये केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में मनाया जाता है, विश्व भर में मनाया जाता है और विशेष रूप से अपने पटेल नगर क्षेत्र में, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में रामजस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम का स्वरूप आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से सभी माताएं बहनें व्रत करके, उपवास रख के, व्रती होकर सूर्य देव की अर्चना करती हैं और अब समय होने जा रहा है सूर्य देव का अर्चना का। और मैं इस समय में सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को छठ मैया का प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को, समाज को सुख संपत्ति बनाए रखें। धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, तो सर बहुत स्वागत है सबसे पहले तो चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बड़ा ही एक विशेष महत्व है, तो इसमें आप भी शामिल हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? बहुत बड़ा त्यौहार छठ पूजा का हर साल पटेल नगर में मनाया जाता है, लेकिन इस साल बड़ा ही भव्य आयोजन नरेश जी के द्वारा किया गया है और बड़ा अच्छा, खुशी का विषय है। आप देख रहे हो हमारे पीछे कितनी पब्लिक है और पब्लिक इस पवित्र त्यौहार को मनाने के लिए आती है। और यहाँ आज दोपहर को 3 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे और कल सुबह फिर 3 बजे से ये प्रोग्राम चलता है। और नरेश जी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई है, बहुत मेहनत की उन्होंने, रात को लग के पूरा ये जो खड़ा होने का तालाब बनाया जाता है सारा ये बनाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी का कि पब्लिक के लिए इतना काम कर रहे हैं। और लोगों को पूरे एरिया में इतना अच्छा घाट कहीं उपलब्ध नहीं था, लोग परेशान होते थे हर बार त्यौहार के ऊपर, लेकिन लोगों को भी बड़ी राहत मिली है इस बार कि एक पवित्र आयोजन पे, एक अच्छे स्थान पर पवित्र तरीके से वो पूजा कर रहे हैं। धन्यवाद जी। नंदी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो यही है कि इन सभी के सहयोगों से मार्गदर्शन मिला बड़े भाई साहब का और नरेश जी ने जो मेहनत की, मीनू जी ने जो मेहनत की, एक बिल्कुल अलग है। मेरे को लगता है कि पूरी दिल्ली में इतना साफ और इतना बढ़िया घाट नहीं होगा। इसमें ये 80 फुट का लंबा घाट है ये और 45 फुट चौड़ा है। इतना बड़ा घाट मेरे हिसाब से दिल्ली में कहीं पे भी नहीं होगा। हर चीज़ नहीं है यहाँ पर, कोई पुरानी नहीं है और छठी मैया का इतना बढ़िया त्यौहार हो रहा है और सब लोग खुश होकर जा रहे हैं, चाहे साधु महात्मा लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो यहाँ पे नेता हैं वो आए हुए हैं, सब लोग खुश हैं। और ऐसा इतना बढ़िया सुंदर त्यौहार दोबारा हमें अगली बार देखने को मिलेगा यहीं पर और इससे बड़ा विशाल होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नरेश जी का। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इस भव्य आयोजन में जो है कई संत महात्मा भी इस अवसर पर पहुंचे हुए, तो आइए इनका इस अवसर पर जो आशीर्वाद वचन लेते हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में, सबसे पहले तो प्रणाम और आज के इस विशेष अवसर पर आपका आशीर्वाद वचन लोगों के लिए। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को, सनातनियों को छठ पर्व की बहुत बहुत मंगल हार्दिक शुभकामनाएँ। और पटेल नगर विधानसभा के अंदर हमारे भावी भाजपा के प्रत्याशी नरेश जी के द्वारा एक सुंदर कार्यक्रम का जो आयोजन रामजस ग्राउंड के अंदर किया गया है, और मुझको लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कवरेज आप लोग कर ही रहे हैं कि कितना विराट कार्यक्रम, मुझे लग रहा है पटेल नगर विधानसभा में इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। और
ये श्रद्धा का आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व है। मैं आज के दिन यही कामना करूंगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, भारत तरक्की करे और सबको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और आज का जो भव्य आयोजन है ये इन्हीं के द्वारा यहाँ किया गया। तो सबसे पहले तो बहुत बधाई क्योंकि पटेल नगर विधानसभा में इतना विराट रूप से ये कार्यक्रम हो रहा है जो देखते ही बनता अपने आप में। आपको, आपके पूरे परिवार को और हमारे पूर्वांचल भाई बहनों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पीछे इतना बड़ा विराट छठ घाट बना है, तो इसमें हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी का बहुत सहयोग रहा है और कुछ ही देर में हमारे बीच में आने वाले हैं क्योंकि आज इस कार्यक्रम के निमित्त हमने जो ये तैयारी की थी वो व्यास भाई ने इसको कवर भी किया था। तो आज दिल को तसल्ली हो रही कि हमारी मेहनत सफल हुई कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और हमारी सभी माताएं बहनें इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं और अपना व्रत का वो पूरा कर रहे हैं। तो आगामी चुनाव को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आज के दौरान? चुनाव को वैसा देखिए, आज इस कार्यक्रम के अंदर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा केजरीवाल जी को कि वो जो हमारी जमुना का 8,500 केजरीवाल जी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं लेकिन उनके जितना सबसे बड़ा कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्टाचारी मैंने दिल्ली की राजनीति में नहीं देखा। आज हम पूर्वांचल भाई बहनों के लिए जगह जगह घाट बनवाते हैं तो वो जमुना का क्या हुआ? वो 2013 से लेके 2023 तक ये कहते रहे नहीं कराऊंगा तो मुझे वोट मत देना, तो हम उनकी बात को मान लेंगे। 2025 के अंदर जो दिल्ली का चुनाव होने वाला है अब उनको हम वोट नहीं देंगे। धन्यवाद। मैं हमारे पूर्व निगम पार्षद श्रीमान रमेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस छठ के प्रोग्राम को इतना भव्य रूप प्रदान किया है और मैं सभी आस्था के महापर्व छठ पूजा की हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। और मैं हमारे कैमरामैन पर्सन क्या ठीक है भाई? बहुत बढ़िया।